हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज मैं आपको एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि जो अभी मुझे लाइव में भी किसी ने रिक्वेस्ट करी है, जिनका नाम है गौरव शुक्ला जी। और वो ये चाहते हैं कि कर्ज से मुक्ति यानी कि लोन की जो है भरपाई के लिए कुछ बताया जाए। अब लोन ऐसे है कि हमें हर चीज़ के लिए ऑलमोस्ट आजकल लोन लेना पड़ता है, जैसे घर के लिए, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, जगह के लिए, वाहन के लिए, व्हीकल के लिए, वो किसी भी तरह का व्हीकल वो लोन लेना ही पड़ जाता है। तो अगर हमें लोन लेना ही है और तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें लोन को कैसे भुगताना है, कैसे उसे दूर करना है, खत्म करना है, और अपने व्यवसाय के लिए भी कैसे हम लोन लेते हैं और उसको कैसे से ठीक करना है। तो मैं ये आपको बताऊंगी, पर उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज 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 आप मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आप इसे शेयर भी कीजिए ताकि सभी को उसका फ़ायदा हो। आज मैं लोशो ग्रिड पर भी आपको आगे कुछ एक सीरीज़ में बताने वाली हूँ, और प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिएगा। सभी जने शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लोन की। अब लोन क्या है कि लोन तो आपको किसी भी चीज़ के लिए लेना ही पड़ जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है। कभी कभी बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, कितनी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है, लेना ही पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, दो चार चीज़ें आपको सिंपल करनी है। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भूमि के कंसर्न कोई भी लोन ले रहे हैं, स्पेशली घर के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि वो आता है मार्स के अंडर। मार्स है मंगल, मंगल यानी कि भूमि पुत्र। अब भूमि के पुत्र की आज्ञा के बगैर भूमि से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि हमें मंगल की जो ऋणहर्ता के रूप में मंगल को याद करना ही पड़ेगा, हनुमान जी को याद करना ही पड़ेगा और गणेश जी को याद करना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्तोत्र भी हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि श्री सूक्त है, कनक धारा स्त्रोत्र है, गजेंद्र मोक्ष है। इनका बहुत मीनिंग है और बहुत पावरफुल है, और मैंने इनके उपाय ना केवल करवा कर बल्कि खुद से भी कर कर देखे हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। पर कुछ ऐसे पांच मैं उपाय आज आपको बताने वाली हूँ जो केवल थोड़े सी मेहनत के बाद आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देते हैं, स्पेशली लोन के कंसर्न में। तो हम शुरू करेंगे कि बुधवार को यानी कि राहु के दिन आपको क्या करना है, 7 कौड़ियाँ लेनी है, सिंपल कौड़ियाँ। पहले के ज़माने में उन कौड़ियों को पैसे के वैल्यू के बराबर माना जाता था, इसीलिए कौड़ियों को आज भी यूज़ किया जाता है। लक्ष्मी जी की प्रिय हैं और स्पेशली केसर के जो कौड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं इसके लिए, पर आप सिंपल कौड़ियाँ भी ले सकते हैं। एक मुट्ठी आपने मूंग की दाल ले लेनी है, वो हरे कपड़े में आप बांध लो, छोटे से हरे कपड़े में, और आप अपने व्यवसाय के स्थल पर, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे काम को नज़र लग गई है, हमारा काम ठीक नहीं चल रहा, तो आप उस जगह पर, आप उस व्यवसाय पर, अपने जगह पर आप उसे 7 बार वार सकते हैं। और किसी भी, या देखिए दो चीज़ें हैं, जैसे आप बहते जल में डालेंगे उस दिन तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आपको लगता है कि जल बहुत दूर है और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और ये 5 या 7 बुधवार को करना है, वेडनेसडे को करना है, तो आप सीढ़ियों पर यानी कि मंदिर की सीढ़ियों पर आप रख कर आ सकते हैं, वो भी इक्वली है बराबर है, यानी कि आप ईश्वर को समर्पित कर आ रहे हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी सुनवाई है, एक हिसाब से आपने उनको बोल दिया कि प्लीज़ मेरी ये अर्जी है, आप इसे लगा लीजिए, सुन लीजिए, ये प्रार्थना है एक हिसाब से, दिल से। दूसरा ये उपाय है कि आप ट्यूसडे के दिन, ये बहुत सुपर इफेक्टिव है, और ये मैं आज पता नहीं कैसे गौरव जी ने पूछा और मेरे दिल में आया कि कर्ज से रिलेटेड बहुत लोग परेशान होते हैं, तो जरूर बताना चाहिए। 9 बड़ के पौधे ले लीजिए, पत्ते ले लीजिए, बड़ यानी कि बरगद यानी कि बैनियन ट्री, बहुत इजीली अवेलेबल है, इनकी रूट लटक रही होती है, नॉर्मली आप उसके पत्ते ले लीजिए 9 ट्यूसडे के, ट्यूसडे ये 5 या 7 ट्यूसडे कर सकते हैं आप। और आपने इनके ऊपर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसे साफ कर कर हनुमान जी की शरण में बैठकर, यानी कि उनके आगे बैठकर, आप लाल चंदन से अपनी कर्ज मुक्ति की एक प्रार्थना करते हुए, जिसने भी कर्ज लिया है, कर्जदार का नाम, जैसे मैंने लिया तो मेरा नाम, किसी और का नाम, जिसका भी नाम है, उसको लिख सकते हैं। फिर इसी पत्तों को लाल धागे के साथ एक के साथ एक पिरो लीजिए, एक माला सी बना लीजिए और इसे बहते जल में डालिए। ये 5 या 7 या 9 बार भी करने से आपको चमत्कार की तरह ऐसे लगेगा, एक्चुअली आप मुझे वापस कॉल करके कहोगे कि हमारे पास अपने काम के ऐसे साधन बन गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये इनके इन प्रकार जो है आपका जो है कर्ज जो है उससे आपको मुक्ति मिल रही है। ये हनुमान जी की इतनी कृपा है, केवल उनकी शरण में बैठने से, केवल उन्हें याद करने से, केवल उनकी कृपा पात्र बनने से। अब
एक और बात, वेडनेसडे के दिन तो स्पेशली सैटरडे को भी ये किया जा सकता है, 108 आटे की आप गोलियां बना सकते हैं छोटी 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 छोटी, और वो आप मछलियों को दीजिए, तालाब में दे सकते हैं, किसी बड़ी नदी में दे सकते हैं, और आप इसे घर आ सकते हैं उसके बाद। तो 108 जो आटे की गोलियां हैं वो थोड़ी मोटी मोटी बनाकर आप डाल सकते हैं। एक और बात है, ये भी मैंने इक्वली इम्पॉर्टेंट देखी है, जैसे बोरिंग का पानी होता है ना जो नीचे से आता है, वो कुएं की तरह ही आजकल मानते हैं उसे, क्योंकि बोरिंग भी बहुत ज़्यादा नीचे जाकर की जाती है, तो अगर कुएं का पानी नहीं मिलता तो आप बोरिंग का पानी ले सकते हैं, आप किसी शमशान से भी ले सकते हैं और किसी मंदिर से भी ले सकते हैं। अगर उनके नलके से या उनकी बोरिंग से आप अगर ले लेते हैं थोड़ा सा पानी, वो जल में आप थोड़ा सा शक्कर मिला के रख लीजिए, रात को ले आइए, अगले दिन सूर्य उदय से पहले शनिवार को ये करना चाहिए आपको, मतलब आप फ्राइडे तक ये पानी ले लीजिए अपने पास, और सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले आप पीपल की जड़ में ये चढ़ा दीजिए, और पूरा टाइम मतलब घर से आप चल रहे हैं पीपल तक जा रहे हैं, वहाँ पर जाने तक सूर्य उदय से पहले आपने ओम या हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः ऐसे जाप कर कर आपने जाना है, और पीपल की जड़ पर ये जल चढ़ा कर आ जाना है। साथ में सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो और भी अच्छा, किसी भी तरह का कर्ज बहुत टाइम तक आपके ऊपर नहीं रह सकता, ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, बहुत छोटा लगने वाला पर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव उपाय, तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने आपको शुरू से कहा है, श्री सूक्त कनक धारा स्तोत्र, और जैसे इंद्र के द्वारा किया गया स्तोत्र, या फिर दरिद्र नाशक स्तोत्र हो, या गजेंद्र मोक्ष, ये बहुत पावरफुल है, दे आर अल्ट्रा पावरफुल, और ये लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, किसी भी निश्चित संख्या को बनाकर, जैसे कि सुंदरकांड को आप 250 बार या 500 बार अगर ऐसे पढ़ते हैं, एक निश्चित संख्या में पढ़ते हैं, ठाकुर जी की बहुत कृपा आप पर खुद ही बरसने लग जाएगी। अच्छा, किसी से करवाने की बजाय आप खुद कीजिएगा, मेरा ये मानना है, पर फिर भी जैसे कोई बीमार है, जैसे कोई नहीं हो पा रहा, या बहुत काम है, या बहुत मेंटल टॉर्चर हो रहा है ऑलरेडी, तो नहीं हो सकता, सिचुएशन इस तरह की आ गई है, कोई जेल में है, किसी को बहुत प्रॉब्लम है, तो आप किसी पंडित से करवा सकते हैं, पर उनसे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा कराइए, जैसे मैं 250 बोल रही हूँ तो उनसे 300 करवाइए, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब आप एक और लास्ट उपाय है, जो पांचवा उपाय मैंने आपको पहले ही बताया था, कि आप 5 हकीक के पत्थर ले लें, हकीक के पत्थर बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी की प्लेसेस पे तो बहुत ऐसे ही कोई दे देगा आपको, 5 पत्थर हकीक के ले लीजिए, 2 जायफल ले लीजिए, ईजिली अवेलेबल है, लोहे की 1 कील, 1 मुट्ठी आप काले तिल ले लीजिए, और उसे एक काले कपड़े में आप डाल दीजिए। क्या क्या चीज़ें लेनी है आपने, 1 हकीक का पत्थर, 2 जायफल, हर बार 2 जायफल, 1 लोहे की कील, 1 मुट्ठी काले तिल, ये सारा आपने करके अपने ऊपर से 21 बार बार लेना है, और सूर्य उदय से पहले ही पीपल की जड़ के पास दबा देना है, कोई भी सुनसान पीपल है उसकी जड़ के पास, इतना सा ही बनेगा, देखिए 1 मुट्ठी है उसमें बस, ज़्यादा तो ज़्यादा काले तिल, और उसमें लोहे की कील भी आ जाएगी, 5 हकीक भी आ जाएंगे, 2 जायफल भी आ जाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं, और इसे 7 सैटरडे को कीजिए, पीपल यानी कि शनि देवता को पूजने के लिए, पीपल में मतलब वृक्षों में पीपल कहा जाता है, कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल की सेवा तो कुल तार देती है, आपको पीपल की सेवा करनी ही चाहिए, एक संडे को छोड़कर, जब वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है उस दिन को छोड़कर आप हर रोज़ कर सकते हैं पीपल की सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इफेक्टिव है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैंने दरिद्रता का मेंशन किया तो वो मैं बता दूं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय लक्ष्मी माँ के उद्गम से पहले उनकी बड़ी सिस्टर यानी कि बड़ी बहन दरिद्रता का प्रागट्य हुआ था। अब वहाँ पर जब उनका प्रागट्य हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत जोर जोर से रोने लग गई, और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु जी से शादी करूँगी। विष्णु जी ने कहा भी मैं तो शादी करूँगा नहीं आपसे, तो उन्होंने अब मुझे ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा, पर ऋषि किसी ऋषि के साथ उन्होंने शादी कर दी। अब वो अब ठाकुर जी की आज्ञा करके चल पड़े। अब जाने लगे तो वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई, रास्ते में किसी बात पर रोने लगी, तो वो पीपल के पेड़ के पास उसे बिठा कर गए, और उसके बाद वो आए ही नहीं वापस मुड़ के। तो तब ये कहा गया था कि एक दिन के लिए, यानी कि इतवार, उस दिन इतवार था, संडे था,
तो एक दिन के लिए यानी कि संडे के लिए पीपल के ऊपर ही आपका वास होगा, और जो वहां जाएगा, जो टच करेगा, उसको दरिद्रता मिल जाएगी, और आप उन लोगों के घर जा सकते हो, आपको वहां से सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, हम सबको ये ध्यान रखना है कि हमने संडे को पीपल के पास नहीं जाना ताकि हमें दरिद्रता ना आए। साथ ही साथ सैटरडे को जाले साफ करने हैं, सैटरडे को अपना घर साफ करना है, सैटरडे को आप जैसे कूड़े वाले के साथ ज़्यादा कूड़ा उसको देना है, घर को साफ बहुत अच्छे से क्लीन करना है। तो शनिवार को अगर हम इतना ध्यान रखते हैं तो माता की कृपा हम पर ज़रूर बरसती है। और ये लक्ष्मी माँ का ये गुण है कि वो सफाई से बहुत अट्रैक्ट होती है। ज़रूरी नहीं आप बहुत अमीर है, ज़रूरी नहीं आपने बहुत सजाया हुआ है, पर आप मन से और आप अपने एरिया को साफ रखेंगे, क्लीन करेंगे, पॉल्यूशन फ्री करेंगे, तो माता का निवास ज़रूर होगा। तो ये तो थे कर्ज मुक्ति के जो मैंने उपाय आपको बताए बोले थे कि मैं बताऊंगी, वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।